हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेम्स ग्रेटर नोएडा के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं केजीएमयू पे, जीएसवीएम पे और अभी राम मनोहर लोहिया पे बनाई थी, लेकिन फिर एक डिमांडिंग थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। यार कैंपस रिसेंट में एस्टैब्लिश हुआ, ऑलमोस्ट इसका फर्स्ट बैच अभी हार्डली इसका पास आउट होने वाला होगा, लेकिन इतनी प्राइम लोकेशन में ना एक गवर्नमेंट कॉलेज, अगर यही अगर गाजियाबाद में भी अगर एक नया गवर्नमेंट कॉलेज और भी आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहेगा, बिकॉज दिल्ली एनसीआर लोकेशन के अंदर, दिल्ली के अंदर तो कुछ कॉलेज हैं लेकिन एनसीआर जो लोकेशन एरिया आता है वहाँ पे कुछ ही कॉलेज है, लेकिन एक तो मेट्रो सिटी, ऊपर से इतनी एक्सपोजर वाली जगह, तो थोड़ा सा डिमांडिंग ज़्यादा है, मतलब कम समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। आपको कट ऑफ को देखकर एक आइडिया लग जाएगा। अब सिंपल सा यार, यहाँ पर जो कट ऑफ मेंशन है वो ऑल इंडिया कोटे 15% के हैं और ये कैटेगरी है, इधर राउंड वाइज है, 4-5 राउंड हुए थे, है ना, फोर्थ राउंड तक ये सारा कुछ क्लोज हो गया था ऑल इंडिया कोटा 15% में। ये इसकी स्टेट कोटे की कट ऑफ है, जो कि कैंडिडेट होम स्टेट से होते हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होगा, और इसकी काउंसलिंग upneet.gov.in पे हुई थी। जिसने राउंड वन किया, राउंड टू किया, उसके बाद मॉपअप राउंड किया, अब यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ आपको राउंड टू तक मिलेंगी। अब देख लेते हैं कितने तक गए थे ये होम स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो स्पेशली उनसे बोलूंगा यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, 1-to-1 कॉलेज रिव्यू कर रहे हैं, पूरी काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट अप को टाइम टू टाइम मिलती रहती है, इसलिए प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा सपोर्ट दो ताकि 50,000 हमारे सब्सक्राइबर्स जल्दी से हो जाए। सबसे पहले जनरल की बात करेंगे, 631 तक गया हुआ था, 7633 736 तक यार यहाँ पर मिल रहा था। EWS कैंडिडेट की बात करेंगे, 626 में अप्रॉक्स 9269 तक, OBC का 622 तक 10,528, SC वाले के लिए देखोगे 504 अप्रॉक्स 80,000 के आसपास यहाँ पे SC वाले को भी सीट मिल जा रही थी। ST के लिए 363 और 352, तो मैं बोलूँगा यार 352 आप सेफ लेकर चलो, अप्रोक्स 2.5 लाख के अराउंड अगर रैंक होगी तो ST के केस में आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। बाकी यार ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, तो अप्रोक्स यहाँ के लिए सेफ स्कोरिंग में बोलूँगा 7500 की अप्रोक्स रैंक लेकर चलो, जनरल के लिए ये अपना 10,000 के अंदर होना चाहिए, इनका भी 10,000 के अप्रोक्स होना चाहिए, इनका 80,000 के अप्रोक्स होना चाहिए। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार ये, और जितने कॉलेज और बढ़ेंगे है ना, तो कुछ कॉलेजों की कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ कॉलेज की कट ऑफ में डिफरेंस आता है, लेकिन ये कॉलेज ऐसा है कि जितना ज़्यादा टाइम बनेगा और जितना ईयर ऑफ एक्सीलेंस होगा उतनी कट ऑफ इसकी और ज़्यादा हो जाएगी, इट्स मीन की कट ऑफ ऊपर आ जाएगी। तो ये कुछ कट ऑफ थी स्टेट कोटा 85% की, सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दी जो लोग इस बार नीट 2022 देंगे, और ये कट ऑफ हैं जो लोग ऑल इंडिया कोटे के थ्रू अपीयर करना चाहते हैं। अब अगर सबसे कम देखोगे ना 629 के अप्रॉक्स किया हुआ है, इट्स मीन की 8630 रैंक तक मिला हुआ था, वो भी राउंड फोर्थ में। अब मैं बोलूँगा सेफ स्कोरिंग यार आप ये लेकर चलो, ठीक है, EWS के लिए 645, OBC के लिए 635 और SC कैंडिडेट के लिए आप 539 ये सेफ स्कोरिंग लेकर चलिए, और ST के लिए 531 पे क्लोज कर गया था। बाकी यार मैं बोलूँगा मैंने उसी को मार्क किया हुआ है जो आपके लिए थोड़ा सा प्रियोरिटी में रख सकते हो, बाकी इधर बहुत ज़्यादा हाईली रिक्स भी अगर आप इसको प्रियोरिटी लेकर चलेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और ये सारा पार्ट ना जो कट ऑफ एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है सारी चीज़, ये चॉइस पुलिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और मैं बोलूंगा यार एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी दे रखा है जाकर फिल कर दो, आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और जब नीट की काउंसलिंग होगी तब काफ़ी अच्छे से हम लोग गाइड करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप अपने किसी भी स्टेट किसी भी कॉलेज का नेम कमेंट करो, उस पर डिटेल्ड वीडियो इसी तरह की मिलेगी कट ऑफ की। बाय बाय।